एक चीज़ ये बताइए, सुरक्षा परिषद की बात हो रही है कि मोदी सरकार के आने के बाद से क्या बदल गया सुरक्षा परिषद में भारत का? बहुत बदलाव हुआ सर। एक चीज़ समझिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता भारत के पास तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है, क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ रहा है कि उस समय जो है कि जितना अभी सुरक्षा अभी सेना को दे रही है, क्या क्या वो ड्रेस ला करके दिए सेना के लिए, और वो खुला हाथ कह दिया कि आप जो करना है पाकिस्तान को करो। क्या किया पाकिस्तान के साथ, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या? घर में जा करके घुस के मारा। आपने घर में घुस के मारा, उन्होंने घर में घुस के मारा, फर्क क्या रहा? फर्क कहाँ रहा कि वो जा करके 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर जा करके मारे, वो तो बॉर्डर पे मारते हैं, ये सेना नहीं मार रही है, उसके आतंकवाद आकर के मार रही है। आपको लगता है कि जो हमला किया था वो भारतीय सेना ने किया था और जो उन्होंने किया था वो आतंकवादी थे? वो आतंकवादी थे। F-16 आतंकवादी उड़ा रहे थे? जी नहीं, वो तो सेना था मतलब पाकिस्तान के। और जब से आए हैं ये सरकार, देखिए सर, जब से आए ये सरकार कम से कम सोचना पड़ रहा है पाकिस्तान को कि हम कैसे क्या करें। नहीं तो अगर इसके पहले जो भी सरकार आई थी तो पाकिस्तान को एकदम छूट दिया गया था, आप जो भी करेंगे आकर के कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, अच्छी बहस हो रही है आपसे, आप कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद से पाकिस्तान को सोचना पड़ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान ने मोदी जी के आने के बाद से दो बड़े हमले किए, एक पठानकोट पे हमला किया जो एयरफोर्स पे, एक पठानकोट पे हमला किया, बड़ा हमला था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई उड़ी वाली। दूसरा फिर इन्होंने 14 फरवरी को हमला किया, उसके बाद फिर एक एयर स्ट्राइक की गई थी। क्या बदला पाकिस्तान में? आखिर वो रोज़ हमारे जवानों को मार रहे हैं। जब बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही थी अपना 2014 में तो उन्होंने कहा था कि हम एक सर के बदले 10 सर काट के लाएंगे, कितने सर काट के ला पाए बीजेपी? देखिए वो तो है कि एक कहा जाए कि एक तरह पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं, लेकिन जितना कड़ा जवाब मोदी सरकार दे रहे हैं या बीजेपी की सरकार दे रहे हैं, और हमको नहीं लगा कि कोई जवाब दे रहे थे। इससे पहले कि कांग्रेस सरकारों ने कभी जवाब नहीं दिया? कभी नहीं दिया खुल करके साथ। 1971 का युद्ध तो याद नहीं होगा आपको, पढ़ा है आपने? हाँ जी। कितना बड़ा जवाब था कि पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया था इंदिरा गांधी ने, क्या आपको लगता नहीं है कि वो बड़ा जवाब था? हाँ था, पहले तो था ही, लेकिन उसके बाद जब से मतलब वो गुजरने के बाद जब आए राहुल जी, सोनिया जी आए, मनमोहन जी आए, मनमोहन 2004 में आए, 2004 से 2014 10 साल। हम संसद पे हमला हुआ, संसद पे हमला आपको याद होगा कि बीजेपी के शासनकाल में हुआ था 2002 में, ठीक है, वो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ था। कांग्रेस के शासनकाल में सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है वो 26/11 का था। 26/11 था तो कसाब को जो फांसी हुई, हाँ, उसका सबूत तो नहीं दिया उन्होंने। कसाब को फांसी किसने दी? किसने दी? कांग्रेस ने दी। और अफजल गुरु को फांसी किसने दी? जो भी दिया उसका सबूत तो नहीं मिला। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा है कि कहाँ गया सबूत? क्योंकि एक चीज़ समझिए, क्योंकि कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हमला हुआ तो हमने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस उसका काम है, सरकारों का ये काम है, सेना का ये काम है बॉर्डर पर सुरक्षा काम करना, आपका ये काम है, आप एक केमिस्ट की शॉप चलाते हैं, आप चलाते हैं, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछता हूँ, सेना का काम है लड़ाई करना, जवाब देना वो देती है, इसमें सरकार कहाँ से आ जाती है? आखिरकार सरकार अभी तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जो है वो सबूत तो मांग रही है ना कि सर्जिकल स्ट्राइक काम को सबूत चाहिए। वो तो तब मांग रही है ना जब बीजेपी कह रही है कि हमने किया तो सेना ने है। सेना ने किया आखिरकार, सेना ही ने तो क्रेडिट। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांट दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये बात में उन्होंने क्रेडिट अभी किसको जा रही है? कांग्रेस। कांग्रेस तब हुआ जब उन्होंने बोला कि बीजेपी वालों ने, ये पुलवामा वाले ने रिटर्न बैक किया और पूरी में आपके सवाल का ही वो जवाब था। हाँ बात सही है, लेकिन कांग्रेस भी तो कह रही है ना कि इंदिरा गांधी ने, ये इसके लिए दिक्कत नहीं है, आप वोट की बात नहीं है, चूंकि बात फैक्ट पे हो रही है इसलिए फैक्ट पे बात हो जाए, है ना। तो कसाब को जो फांसी हुई उसका तो कभी सबूत नहीं दिया उन्होंने, अचानक से एक दिन सुबह पेपर में पढ़ा कि कसाब को फांसी दे दी गई, उसका सबूत तो नहीं मिला। आपको ये लगता है कि जो सबूत मांगा जा रहा है ये गलत है? हमको लगता है कि कसाब गिरफ्तार हुआ ही नहीं था, हमें लगता है कि कसाब गिरफ्तार फिर हुआ ही नहीं था, फिर ये तो हमको दीजिए सबूत, दीजिए हमको सबूत चाहिए। आपको कसाब की फांसी का सबूत चाहिए? हमको सबूत चाहिए। आपको भी लगता है कि कसाब की फांसी का सबूत मिलना चाहिए? बिल्कुल चाहिए, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक का चाहिए ना उस तरीके से कसाब का भी चाहिए। हम जो भी पढ़े पेपर में गलत पढ़े, हमको भी सबूत चाहिए।